लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं बेगम, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर ऐसा जरूरी काम क्या हो गया जिसकी वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? पुलिस स्टेशन? जी हां, पुलिस स्टेशन। अबीर ने हमें बताया उसने आपको पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा। इसने कहा और आपने मान लिया? तो क्या ये सच नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं भला पुलिस स्टेशन क्यों जाने लगी? इसका मतलब अभी झूठ बोल रही है। जी हाँ, ये मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रही है। तो ठीक है, इस बात का फैसला अभी हो जाता है। बेटे काम करो, जरा पुलिस स्टेशन फोन करो और पता करो कि आपकी अम्मी आज वहां गई थी या नहीं। हेलो जी, मैं अली अवस आपके घर से बोल रही हूँ। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस यही पूछना था कि उनकी बेगम पुलिस स्टेशन आई थी या नहीं। जी आई थी। जी शुक्रिया। स्टेशन नहीं गई थी, शायद मुझसे ही देखने में गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटे, गलती इंसान से ही होती है। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूं।
इस सोच में डूब गई हूं। हमें माफ कर दीजिए, हमारी सोच गलत थी। चलिए खाना खाने। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है अम्मी, बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई? आपके पास बेवजह तो मैं आ नहीं सकती, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। वैसा किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? उसकी जिसे तुमने झूठ की बुनियाद पर तामीर किया है। मैं आपसे बहस नहीं करने आई हूँ। आपका मुझ पर एक एहसान था जिसका बदला आज मैंने चुका दिया। एहसान? किस एहसान की बात कर रही हो तुम? उस दिन आपने मेरी सच्चाई छुपाई थी, आज मैं आपकी सच्चाई छुपा गई, तो अब हिसाब बराबर हो गया। चलो, इतनी समझ तो है तुम्हें, लेकिन उससे भी बड़ा एहसान तो ये है कि हमने तुम्हें बिना जाने समझे इस घर में पनाह दी। उस एहसान का बदला कैसे चुकाओगी? माफ कीजिएगा, इस घर में मुझे पनाह देने का एहसान शारिया चचा जान को जाता है। आप लोगों ने तो मुझे बेदखल करने की पूरी तैयारी कर ली थी। शहरयार का इस घर पर कोई हक नहीं है, वो तो हम हैं जो उसे इस घर में सर छुपाने की जगह दियो हैं। वो तुम्हें क्या पनाह देगा? अम्मी, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो हकीकत जानते ही नहीं, और दूसरे वो जो हकीकत जानते हुए भी उसे कबूल नहीं कर पाते, क्योंकि उस हकीकत में उन्हें उनकी हार नजर आती है। और मेरे ख्याल से आप उन दूसरे लोगों में से हैं, क्योंकि आपको भी अपनी हार से बहुत डर लगता है। मेरी हार के ख्वाब मत देखो अबीर, बल्कि अपनी बर्बादी के बारे में सोचो। जिस रोज मैं तुम्हें इस घर की दहलीज से बाहर कर दूंगी, उस दिन क्या करोगी, कहां जाओगी? अम्मी, अब तो ये नामुमकिन है। मैंने सिर्फ इस घर से ही नहीं, इस घर के रहने वालों से भी रिश्ता जोड़ लिया है। सिवाय आप और मंतशा के। अकेली आई थी, तब इस घर से बाहर नहीं कर सकी, तो अब क्या कर लेंगे? चाय पी लीजिए। उठिए ना। उठिए, चाय पी लीजिए। सुबह से दोपहर हो गई, चाय पी लीजिए। चाय की क्या जरूरत है, हम तो आपको देख के फ्रेश हो जाते हैं। सच कहते हैं, आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट इस चाय से कहीं ज्यादा मीठी है। हटिए। अबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अच्छी हूँ। आज का दिन तुम्हें मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको मेरा बर्थडे याद रहा? अरे, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ।
आज हारिस की बहुत याद आ रही है, काश वो हयात होते। हौसला रखो अबीर, सब्र करो। खुदा किसी किसी की जिंदगी में चंद दिनों की खुशी देता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। और एक और बात याद रखना कि तकदीर में लिखी खुशी से ज्यादा लंबी वो खुशी होती है जो इंसान खुद हासिल करता है। वो खुशी कोई छीन नहीं सकता, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। एक आप ही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, आप नहीं होते तो। ऐसा मत कहो अबीर, अरे तुम्हारे बलबूते पर तो इतनी बड़ी जंग लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा हमें यह जंग जीतने में जरूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लोगों से हमारी शिकायत की जा रही थी, और तो और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा कर रखी। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं तो आपने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई कि भाभी जान आज आपका बर्थडे है? और फोन पर आप लोगों से ये भी कह रही थी कि हम सब आपका ख्याल नहीं रखते। मैंने सब सुन लिया। अना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और बर्थडे वाली बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती। जब से हारिस इस दुनिया से चले गए मुझे हर खुशी फीकी लगती है, इसलिए मैंने खुशियों को अलविदा कह दिया। लेकिन आज के बाद आपको अपनी जिंदगी का हर खास दिन सेलिब्रेट करना होगा। हम सब मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं ये बात जाकर सबको बता देती हूँ। आप आज शाम को तैयार रहिएगा, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। अना प्लीज रुक जाओ। नहीं नहीं भाभी जान, मैं नहीं रुक सकती। आप शाम को केक काटने के लिए तैयार रहिएगा। ओके बाय। अबीर के तेवर दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। अगर वो ऐसा ही करती रही ना और हमने उसका कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारे सर पर सवार हो जाएगी। ये सब अब्बू की छूट का नतीजा है। अगर वो उसका फरेब समझ ले तो हमारी जीत हो जाएगी। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या बात है ना? बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की बात है इसलिए खुश नजर आ रही। कौन सी खुशी की बात है? आज भाभी जान का बर्थडे है तो हम सबको मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहू है और हमारी भाभी जान है ना? भाभी जान होंगी तुम्हारी, हमारी तो जान की दुश्मन है वो। वो किसी की दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो उन्हें आप लोगों ने समझ के रखा है। जब से वो इस घर में आई है उन्हें एक भी खुशी नसीब नहीं हुई। हम सबको मिलकर उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। वो हमारी खुशियों पर पानी फेरने आई है और हम उसकी खुशियों का ख्याल रखें। तुम कम हो क्या उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए? अना तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें हमारे नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ना कि अबीर के। और अबीर तुमको बेवकूफ बना सकती है, हमें नहीं। अम्मी वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रही है, अभी तक उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का इरादा तक नहीं जाहिर किया है। तो तुम क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? खामोश बैठो और उनका बर्थडे मनाने का इरादा अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं, मैं भाभी जान के खिलाफ इस तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन अबीर का जनाजा इस घर से निकलेगा। अम्मी आपको क्या हो गया है? आज के दिन भाभी जान को दुआ देने की बजाय आप बद्दुआ दे रही हैं। लगता है आपका दिल पत्थर का हो गया है। भाभी जान का बर्थडे जरूर मनेगा, मैं और अब्बू मिलकर उनकी इस खुशी में शरीक होंगे। बस अबीर का बर्थडे जरूर मनेगा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? क्या आप भी अन्ना की बातों पर अमल करना चाह रही हैं? बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, तुम बस देखती जाओ। अबीर साहब यहीं रहती हैं? जी हाँ। ये बुक है उनके। खुदा हाफिज़।
अभिजान बोलो। ये देखिए इतना बड़ा बुके। इतना खूबसूरत बुके किसने भेजा है? भेजा है? हाँ एक आदमी आया था, उसने कहा अभीर साहब को दे देना। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं क्यों मजाक करने लगा? भाभी जान इसे मेरे हाथ से ले लीजिए या बताइए कहाँ रख दूँ, पकड़े पकड़े हाथ दुख गए। लाओ। खराब। खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम मुझे अब तक भूली नहीं होगी। मैं आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा हैरी। बोल रही हूँ। हाँ अभीर बोलो, आज अपने बर्थडे पर क्या कर रही हो? अब वो सब बातें छोड़िए, पहले मेरी बात गौर से सुनिए। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था और एक बुके देके गया। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? बात सिर्फ इतनी नहीं है, उस बुके में जो कार्ड था मैंने उसे पढ़ा, उसमें जो कुछ भी लिखा था बिल्कुल हारिस के अंदाज का था। एक वही है इस दुनिया में जो मुझे प्यार से अभी पुकारते थे और मैं उन्हें प्यार से हैरी पुकारती थी, और इस बात को हमारे सिवा दुनिया में कोई नहीं जानता था। ये तुम क्या कह रही हो अबीर? मैं सही कह रही हूँ, ये हमारे लिए मामूली बात नहीं है। हर दिन ऐसी कोई ना कोई बात हो रही है जिससे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। तुम ठीक कह रही हो अबीर, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जल्द से जल्द इस बात पर से पर्दा उठाना ही होगा ताकि आप सच्चाई तक पहुँच सके। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर आ जाए आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। तुम जरा होशियार रहना अबीर, मैं सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि किसकी साजिश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हारिस सही सलामत हो? बच्चों जैसी बातें मत करो अबीर, हारिस की आखिरी रसूमात में मैं शामिल था। तो फिर ये सब? किसी ना किसी को हमारी जरूरत का पता चल चुका है, वही हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी बात सच है तो कुछ नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बात है अम्मी, क्यों इतना परेशान हो रही है? परेशानी की बात तो है ही, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? तुम दोनों को तो हर बात छोटी लगती है, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अम्मी एक बुके ही तो आया है, इस शहर में हमें इतने सारे लोग जानते हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने भेजा हो या फिर किसी भाभी के जानने वाले ने भेजा। जब हमें नहीं पता कि आज उसका बर्थडे है तो लोगों को कैसे पता चल गया? और जहां तक मैं जानती हूँ इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार है ही नहीं। अम्मी हो सकता है भाभी जान का कोई रिश्तेदार हो जिसे हम लोग नहीं पहचानते हो। तुम दोनों पर तो उसने जादू कर दिया है, इसीलिए उसकी तरफदारी करते रहते हो। इस तरह के कोई भी किसी के घर भूखे भेज देगा। मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है अम्मी। आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं, तुम खामोश रहो ना। मेरी औलादें ही मेरे खिलाफ हो गई हैं, इसलिए तो इस घर में सर उठाकर जी रही है। अम्मी इस फतूर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, मैं ये बात तुम्हारे अब्बू से कहूंगी। कोई फायदा नहीं होगा, अब्बू इसे मामूली बात कहकर टाल जाएंगे। हाँ वो भी तो अपनी बहू के फरेब में आ चुके हैं, जब कोई बड़ी बात होगी ना तभी तुम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन तब तक बात हद से बाहर जा चुकी होगी। अम्मी खामखा परेशान हो जाती है। अना तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी वालदा की बातों पर यकीन नहीं कर रही हो? देख लेना एक दिन तुम दोनों बहुत पछताओगे।